नमस्कार, मैं हूँ आपके अपनी शैल। मेरे चैनल सर्वाइवल ब्लॉग पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ, तो जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये इसका नाम है कैनुला। ये कैनुला है, वीगो है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके कितने पार्ट होते हैं और किस पार्ट का क्या नाम है, ये सारी जानकारी आज मैं देती हूँ। तो चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गो स्टार्टेड। फ्रेंड्स, मैंने इसको कर लिया ओपन और रैपर के बाद में कुछ ये इस तरीके से निकला है। तो आप इसको अपर साइड से देख सकते हैं एंड बैक साइड से देख सकते हैं। और इसमें एक कैप दे रखा है प्लास्टिक की, जो कि मैं इसको इस तरीके से करती हूँ ओपन। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमाना है और इसके बाद में ये आपका अच्छे से अनलॉक हो जाएगा और मैं इसको रखती हूँ साइड में। अब करते हैं इसके पार्ट की बात। तो वन बाय वन मैं आपको बताती जाऊंगी कि कौन सा पार्ट क्या नाम से इसको जानते हैं। तो चलिए, मैं फ्रेंड्स बताने वाली हूँ आपको। ये जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपको हल्का सा ये दिख रहा होगा, ये इसको, ये है निडल। इसको बोलते हैं निडल, जो कि निडल के ऊपर से ये प्लास्टिक कोटिंग दी हुई है। इसको बोलते हैं प्लास्टिक कोटिंग। ये आप, मैं इसको निडल को खिसका के दिखा रही हूँ, ये है प्लास्टिक कोटिंग। इसके बाद में आपका ये साइड आता है, ये कैथरेटर है जो कि रबर का बना है, यानी कि प्लास्टिक का। इसको बोलते हैं कैथरेटर। इसके बाद में आपका जो यहाँ से ये ऊपर की जो प्लास्टिक कोटिंग है, इसके यहाँ से वाइट तक का, इस पार्ट को हम बोलते हैं बुशिंग। इसको बोलेंगे बुशिंग। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पार्ट बता रही हूँ। ये जो आपका व्हाइट पार्ट दिया हुआ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का आप अच्छे से देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, ये है वॉल्व। इसको बोलते हैं वॉल्व। ये वॉल्व कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये आपका जो बटरफ्लाई जैसे दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं विंग्स, जो कि हम इसको इस तरीके से सीधा कर लेते हैं, ये है विंग्स। ये विंग्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब भी हम कभी इसको वेंस में इस तरीके से पुश करते हैं या इंसर्ट करते हैं, तो इसके इसको हमें इस तरीके से इसको पकड़ने में हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से वीगो इंसर्ट कर देते हैं, वीगो कैनुला, इसको कुछ भी बोल सकते हैं आप। और फिर देखिए, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है इंजेक्शन पार्ट कैप। इसको बोलते हैं इंजेक्शन पार्ट कैप। तो इसको इस तरीके से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया ओपन इस तरीके से, और यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं कोई भी इंजेक्शन को, इस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं, तो ये डायरेक्ट यहाँ से जाके हमारे वेंस में इंसर्ट हो जाता है। तो इसको हम लॉक कर देते हैं इस तरीके से, इसको ओपन करते हैं और इस तरीके से इसको लॉक कर देते हैं जब भी हमारा इंजेक्शन प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा आपको। ये आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है लीवर कनेक्टर। इसको बोलते हैं लीवर कनेक्टर। इसके बाद में आपका ये जो है, ये उभरा हुआ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है निडल ग्रिप। ये है निडल ग्रिप। इसके बाद में आप जब भी कभी कैनुला आप पुश करते हैं, लगाते हैं, तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि ब्लड आ जाता है हल्का सा। तो जब ब्लड आ जाता है तो कन्फर्मेशन पता चल जाता है कि हमारा वीगो राइट है, मतलब जो हमने वेंस में डाला है वो सीधे वेंस में गया है, इधर उधर नहीं गया। अगर इसका बैक में आता नहीं है ब्लड, तो हमें पता नहीं चलता कि वीगो सही पड़ा है। और फिर इसके बाद में यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं इस तरीके से। ये पार्ट इसका देखिए अलग हो जाता है, पर इस पार्ट को बोलते हैं फ्लश बैक चेम्बर। यहाँ से फ्लश भी करके देखते हैं कि सही जा रहा है या नहीं सही जा रहा है। इसके बाद में आप देख रहे हैं एक ये वाइट वाइट सा पार्ट आता है इस तरीके से, ये तो कैप हो गया आपका, ये है कैप, ठीक है। इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं लीवर लॉक प्लग, लीवर लॉक प्लग। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको बहुत ही बारीकी से और वन बाय वन स्टेप से आपको
अच्छे से बता दिया है, तो आपको बार बार ये आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, बार बार याद करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, वीगो के बारे में आज मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बारीकी से समझा दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा कि इसको इसके कितने पार्ट होते हैं और किस नाम से इसे जानते हैं। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि भी कोई डाउट है क्वेश्चन में तो आप मेरे से एक बार पूछ सकते हैं, और आपको मैं इसी तरीके से वीडियो लाती रहूंगी और आप लोगों को नॉलेज बढ़ाती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, यदि मेरा नॉलेज आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, बस मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, चलिए, ओके, बाय बाय।